I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top in pocket, swola, 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 swola. सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इससे कोई नए वीडियो में। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस जिस बाइक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस बाइक के रिलेटेड मुझे हर दिन इंस्टाग्राम पे एक ना एक सब्सक्राइबर का जरूर मैसेज आता है। ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च हो रही है, और जिस बाइक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है बजाज की ऑल न्यू पल्सर NS250। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में बात करेंगे। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये बाइक देखने मिलने वाली है, क्या प्राइस के साथ ये बाइक ऑफर की जाएगी, और साथ ही में ये बाइक हमें इंडिया में कब तक लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो सब कुछ है इस वीडियो में, और हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, सब कुछ कवर किया है वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस, इस बाइक में हमें 249cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन देखने मिलेगा, जो कि 4-वेल्व इंजन होगा। और ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और लिक्विड कूलिंग के साथ हमें ऑफर किया जाएगा। साथ ही में ये इंजन हमें डायरेक्टली BS6 इमिशन के साथ देखने मिल जाएगा। और वहीं बात करें इस इंजन के ट्रांसमिशन के बारे में, तो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमें इस बाइक का गियर बॉक्स ऑफर किया जाने वाला है। वहीं बात करें इस इंजन के पावर आउटपुट्स के बारे में, तो मैक्सिमम पावर बताया जा रहा है करीबन 29 से लेकर 30 PS तक हमें इसमें मैक्सिमम पावर देखने मिल जाएगा। और जो पीक टॉर्क है वो हमें 22 से लेकर 23 न्यूटन मीटर के आसपास हमें टॉर्क देखने मिल सकता है। वहीं बात करें गाइस इस बाइक के टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है 30-35 किलोमीटर पर लीटर तक का अप्रोक्सीमेट हमें इसमें माइलेज देखने मिल सकता है। और जो इस बाइक की टॉप स्पीड होगी वो करीबन 150 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर तक हमें इसकी टॉप स्पीड देखने मिल सकती है। और गाइस, ये जो इंजन बजाज वाले इस बाइक के लिए यूज करने वाले, ये सेम इंजन आपको डोमिनार 250 में भी देखने मिलता है, और KTM की जो ड्यूक 250 आती है उसमें भी आपको यही इंजन देखने मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा इंजन आएगा। 250 अगर आया तो यही सेम इंजन होगा। बजाज वाले इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे अपने इंजन को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ये इंजन अवेलेबल है, तो क्यों एक नया प्रोडक्शन वो लोग स्टार्ट करेंगे एक 250cc इंजन के लिए। और साथ में गाइस, इस बाइक में हमें असिस्ट और स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। वहीं बात करें इस बाइक के ब्रेक और टायर्स के बारे में, तो गाइस फ्रंट एंड रियर में दोनों में ही डेफिनेटली डिस्क ब्रेक तो ऑफर की जाएगी। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक होगी उसका जो डायमीटर आपको देखने मिल सकता है वो है 300mm का, और जो रियर डिस्क ब्रेक होगी उसका डायमीटर हमें 230mm तक देखने मिल सकता है। और गाइस, इसी के साथ हमें इसमें ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाने वाला है। और गाइस, एक न्यूज ये आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको KTM की ड्यूक 250 में सुपर मोटो ABS मिलता है, उसी तरह बजाज की इस पल्सर NS250 में भी सुपर मोटो ABS देखने मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बजाज वाले यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दे, क्योंकि गाइस बजाज वाले हमेशा से ही अपनी बाइक की प्राइस बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण काफी सारे फीचर्स हमें बजाज की बाइक्स में फिर नहीं देखने मिलते हैं। लेकिन गाइस, बजाज वाले अब बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं अपनी बाइक्स को लेकर। वो लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि आज की जनरेशन को क्या चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए बजाज वाले जो भी अपनी अपकमिंग बाइक्स अब लाने वाले हैं उनमें आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर किए जाने वाले हैं। वहीं बात करें इस बाइक के टायर साइज के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है फ्रंट टायर का जो सेक्शन आपको देखने मिलेगा वो है 100x80 सेक्शन का, जिसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे। और जो रियर टायर होगा उसका सेक्शन हमें 130x70 का देखने मिल जाएगा, जिसमें भी आपको सेम 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस देखने मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इस बाइक के सस्पेंशन और चेसी फ्रेम के बारे में, तो गाइस फ्रंट सस्पेंशन में आपको 37mm के अपसाइड डाउन फोर्क देखने मिल जाएंगे, एंड रियर सस्पेंशन में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स देखने मिलेंगे, जो कि 77mm डायमीटर के होंगे। वहीं बात करें इस बाइक के चेसी फ्रेम के बारे में, तो बीम टाइप पेरिमीटर वाला फ्रेम आपको इस बाइक के चेसी में देखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो गाइस कंप्लीटली फुली डिजिटल आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलने वाला है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा ये काफी नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने
मिलेगा। इसके पहले आपने बजाज की किसी भी बाइक में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं देखा होगा। और गाइस साथ ही में ये भी बताया जा रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और वहीं बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के और फीचर्स के बारे में, तो गाइस सभी तरह के इंडिकेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, आरपीएम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, गियर शिफ्ट लाइट, मैल फंक्शन इंडिकेशन जैसे सारे इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिल जाएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। और गाइस ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेशन आपको एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जरूरत होती है वो सभी इंडिकेशन आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने मिल जाएंगे। और कुछ नए इंडिकेशन भी आपको एड ऑन होते हुए दिख सकते हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होगा इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। वहीं बात करें इस बाइक के लाइटिंग सिस्टम के बारे में, तो गाइस कंप्लीटली आपको एलईडी सेटअप देखने मिलेगा इस बाइक के साथ। चाहे बात करें हेडलाइट्स की, टेल लाइट्स की या फिर टर्न इंडिकेटर्स की, सभी में आपको एलईडी लाइट्स ऑफर की जाएगी। साथ में गाइस आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑन जिसे AHO भी कहा जाता है वो भी आपको इस बाइक के साथ ऑफर किया जाने वाला है। और इसी के साथ गाइस इस बाइक के कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात करें, तो गाइस इसमें आपको पिलियन ग्रैब रेल, पिलियन फुटरेस्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच, स्टेप अप सीट एंड स्प्लिट सीट, स्टैंड अलार्म जैसे सारे कन्वीनियंट फीचर्स आपको इस बाइक के साथ ऑफर किए जाने वाले हैं। अब फाइनली बात करते हैं गाइस इस बाइक के प्राइस और इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस जो प्राइस इसकी बताई जा रही है अभी एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि करीबन 180,000 से लेकर 190,000 के आसपास आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस देखने मिल सकती है। बाकी देखते हैं इसके ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही पता चलेगी इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या होने वाली है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस 2021 के मिड तक ये बाइक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल यही न्यूज आ रही है। पहले न्यूज आ रही थी कि 2020 के एंड तक ये बाइक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन जैसे कि आपको पता है COVID-19 ये सब के कारण काफी सारी कंपनियों ने अपनी बाइक्स के लॉन्च डेट को एक्सटेंड कर दिया है और ये सभी बाइक्स आपको 2021 में ही लॉन्च होती हुई दिखेगी। और NS250 के रिगार्डिंग भी यही न्यूज आ रही है कि मिड ऑफ 2021 में आपको ये बाइक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखेगी। बाकी जैसे ही और कोई न्यूज आती है इस बाइक के रिलेटेड तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा। बस आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Move fancy, make me wanna holla, 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 holla. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump up in pockets, swolla, 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 swolla.